रहीम। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का आइन। 1973 का आइन पढ़ने से पहले हम इसके बैकग्राउंड जरा देखते हैं, क्या पस मंजर है। हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि 1971 में जो है मशीकी और मगरबी पाकिस्तान में जंग छिड़ गई थी, और इस तरह जो है पाकिस्तान की जो अफवाज वो बांग्लादेश में जो है जंग हार गई थी। तो इस तरह 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से, मगरबी पाकिस्तान से अलग हो गया, जिसकी वजह से दिसंबर 20 को 1971 को यहाया खान ने, जनरल यहाया खान ने रिज़ाइन किया, उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया, और अब जो है तमाम अख्तियार जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो को दे दिया। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के सदर की हैसियत से चार्ज लिया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, और भुट्टो ने जो है मार्शल लॉ को ख़त्म किया अप्रैल 1972 में। मार्शल लॉ ख़त्म करने के बाद जो है भुट्टो ने एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन की अप्रूवल ले ली। इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कुछ अरसे के लिए हुकूमत चलाने के लिए खास किस्म के कानून बनाना। तो इस तरह भुट्टो ने अप्रूवल ले ली अपोजिशन से, तमाम जितने भी उनके पॉलिटिकल पार्टीज थे पाकिस्तान की, उन सब से एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अप्रूवल ले ली, ताकि जब तक एक परमानेंट आइन पाकिस्तान का नहीं बनेगा उस वक्त तक उस आइन को चलाया जाए। नेशनल असेंबली अप्रूव्ड अ टेंपरेरी कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज इंपोज्ड ऑन अप्रैल 21, 1972। और इस तरह कौमी असेंबली ने एक अबूरी आइन की मंजूरी दे दी अप्रैल 21, 1972 तक, और मुल्क को फिर इसी अबूरी आइन के तहत चलाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग, अब आइन बनाने का काम जो है तेजी से शुरू किया। एक कमेटी बनाई जुल्फिकार अली भुट्टो ने, हफीज अब्दुल हफीज पीरजादा के जरिए निगरानी कमीशन बनाई, और जिसमें नेशनल असेंबली के मेंबर थे तमाम पार्टीज के मेंबर फ्रॉम ऑल पार्टीज इन अप्रैल 1972, और इसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके मेंबर शामिल थे। ला मिनिस्टर इनके अब्दुल हफीज पीरजादा को इसका चेयरमैन बनाया कमेटी का, और तमाम पार्टीज ने जो है एक फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम एक बनाने पर जो है उन्होंने रजामंदी अपनी जाहिर की 1972 को। इस कमेटी ने एक तवील बहस के बाद जो अपनी रिपोर्ट तैयार की, और दिसंबर जो है 31, 1972 तक जो है अपनी रिपोर्ट जो है सदर को पेश कर दी। आफ्टर लॉन्ग डिलीब्रेशन इन कम्प्रोमाइज फाइनल ड्राफ्ट वॉज अप्रूव्ड कॉमनली ऑन अप्रैल 10, 1973, और इस तरह 10 अप्रैल 1973 को जो है इसको मंजूर कराया गया इस रिपोर्ट को। और जो नया आइन है जो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्पोज ऑन अगस्त 1973, और पाकिस्तान का जो 1973 का आइन 14 अगस्त 1973 को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन सिंस देन विद टू गैप्स इट रिमेन ऑपरेशनल ड्यूरिंग फॉलोइंग पीरियड, लेकिन इस आइन को जो है इसके बाद के आने वाले फौजी पीरियड्स में, इनकी जब फौजी जो है ताकत पे आ गए तो इन्होंने कुछ अरसे तक इसको सस्पेंड रखा, ऑपरेशन होने नहीं दिया इनकी। तो 1973 से 1977 तक ये ऑपरेशनल रहा, इनकी इस पर अमल दरामद हुआ, इस आइन की तरमीम को चलाया गया, और 1977 से 1985 तक इसको सस्पेंड किया, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर था। तो ज़ियाउल हक ने 1977 से 1985 तक जो है इस आइन को सस्पेंड किया, और 1985 से 1999 तक जो है ऑपरेशनल आफ्टर चेंज, कुछ चेंज के बाद जो है इसको दोबारा ऑपरेशनल किया गया। 1999 से 2002 तक इनकी मुशरफ के दौर में इसको फिर सस्पेंड किया, लेकिन मुशरफ ने 2002 के बाद इसमें कुछ चेंजेस करके इसको दोबारा ऑपरेशनल बना दिया, और इस तरह ये आइन जो है कुछ अर्से तक जो ऑपरेशनल है और कुछ अर्से तक ये सस्पेंडेड रहा। फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले कि इसका मुल्क का जो सिस्टम होगा, हुकूमत का सिस्टम होगा, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। उससे पहले हमने देखा था 1962 के आइन में सदारती निज़ाम मुतारिफ कराया था, लेकिन 1973 में पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और इस सिस्टम के तहत जो है तमाम ज्यादातर ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होंगे एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट विद ए वीक प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के अख्तियार कम होंगे, और प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर की मशावरत से करेंगे, क्योंकि तमाम जितने भी प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे उस पर जो है वज़ीर आज़म का दस्तखत होना जरूरी था, और वज़ीर आज़म को जो है वो मुंतखब करेंगे नेशनल असम्बली से, और वज़ीर आज़म के पास तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आज़म के पास होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1970 वाज़ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेशनल असेंबली व्हिच इज़ इलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर एंड कुड बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट
ऑनली अंडर एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 1973 के आई नेशनल असेंबली कायम की जाए कि 5 सालों के लिए और असेंबली को किस उस रूप में खत्म कर सकते हैं अगर सदर को प्राइम मिनिस्टर जो मशवरा दे दे। क्योंकि 1962 के आइन में हमने ये देखा था कि सदर अपनी मर्जी से जब चाहे असेंबली को तोड़ सकते थे, लेकिन 73 के आइन के मुताबिक सदर के लिए पाबंदी की वजर अजम के मशवरे के 30 असेंबली को तोड़े। जिस वास्ते नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस डेट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस बाकायदा तौर पर मेंशन की गई 1973 के आइन में। पार्लियामेंट इट वॉज लेड डाउन डेट ए प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट होम ए रेजोल्यूशन फॉर ए ड्यूट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हैड बीन मूव्ड इन द नेशनल असेंबली बट हैड नॉट बीन येट वोटेड अपॉन आर अगेन होम सच ए रेजोल्यूशन हैड बीन पास आर होम वॉज कंटिन्यूइंग इन ऑफिस After resignation, could not recommend the resolution of the National Assembly to the President. यानी कि पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि अगर कोई रेजोल्यूशन नहीं कि अगर पास हो रही हो और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ लैंड कार्बनी अगर इनकी असम्बली ने वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक लाया हो लेकिन उस पर जो अभी वोटिंग नहीं हो गई हो और कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया हो जिसकी वजह से जो है उसकी रेजिग्नेशन जो है का मुतालबा किया हो, तो उस सूरत में सदर जो है वो असेंबली को बर्खास्त नहीं कर सकती, असेंबली को नहीं तोड़ सकती। प्राइम मिनिस्टर वाज अनसेलेबल टू नेशनल असेंबली इनकी वजह से जो है वो नेशनल असेंबली के सामने जवाब दे, लेकिन 1985 पावर ऑफ द प्रेजिडेंट वर इंक्रीज इन जॉइंट सम डिस्क्रिप्शन इन अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, लेकिन 1985 में जियाउल हक ने सदर के अख्तियार को थोड़ा सा बढ़ा दिया और जो है नेशनल असेंबली की ताकत को कम कर दिया। ही हैड द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केयरटेकर पीएम, ही गिव डिसीजन टू बिल पास बाय पार्लियामेंट आर रिटर्न दिस, उसने जो है अख्तियार को बढ़ा दिया अपने और वो किसी भी बिल को जो है असेंबली में दोबारा वापस ला सकते हैं। प्रेसिडेंट 1973 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट के लिए एज की जो शर्त है वो 45 साल थी, उसके लिए मुसलमान होना जरूरी था और उसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज मौजूद हो जो नेशनल असेंबली के मेंबर बनने की। सदर को जो है 5 सालों के लिए मुंतखब किया जाता था। सदर को मुंतखब जो है पार्लियामेंट के दोनों ऐवान करते थे, इनके कौमी असेंबली और सेनेट, और इसके अलावा जो सिवाई असेंबलियाँ भी सदर के लिए वोट डालते थे और इस तरह जो सदर बन जाता है। पार्लियामेंट विद बोथ हाउसेस, इनकी 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क के दो ऐवान होंगे, अपर हाउस को सेनेट कहा जाएगा जिसमें तमाम सूबों को बराबर सीटें दी जाएगी, लेकिन खवातीन के लोग ट्राइबल एरियाज और टेक्नोक्रेट इनके पढ़े लिखे कुछ लोगों के लिए जो है अलग सीटें रखी जाएंगी, लेकिन शुरू में जो है इसकी तादाद जो 63 रखी, लेकिन बाद में इसकी तादाद बढ़ा के 87 और फिर 100 और अभी जो है उसकी तादाद 104 है। सेनेट का जो इलेक्शन वो इनडायरेक्ट होता है, इनकी डायरेक्ट आवाम जो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इट इज़ ए परमानेंट हाउस और इसकी एक मतलब कभी ख़त्म नहीं होती, हाफ मेंबर हर टीम, तो उसकी जो ड्यूरेशन है 6 साल है और हाफ मेंबर जो है हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। लोअर हाउस या नेशनल असेंबली जो है वो आम जो है पॉपुलेशन की बेस पर इनकी आबादी के हिसाब से इनकी जिस सूबे की आबादी ज़्यादा हो उस सूबे से नेशनल असेंबली की सीटें ज़्यादा होंगी। शुरू में नेशनल असेंबली के टोटल मेंबर्स की तादाद 210 थी, लेकिन अभी इसकी तादाद 342 हो गई है और नेशनल असेंबली भी 5 सालों के लिए मुंतखब होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनकी हर सूबों से आवाम जो है डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए इनके मेंबर्स को चुनते हैं और वोट डालने की जो उम्र है पहले 21 साल थी, अब इसको कम करके 18 साल कर दी गई है। और 1973 के आइन के मुताबिक जो पार्लियामेंट एक पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडी है, इनकी कानून बनाने वाले एक ताकतवर इदारा है और इसको तमाम जो है लेजिस्लेटिव पावर हासिल है और ये जो पार्लियामेंट है या असेंबली है वो एग्जीक्यूटिव को जो है एग्जीक्यूटिव मुख्तलिफ क्वेश्चन कर सकते हैं और करारदाद पास कर सकते हैं और मुख्तलिफ कमेटीज जो है बना सकते हैं। नेशनल असेंबली जो है बजट के हवाले से जो है वो ज़्यादा सेनेट से ताकतवर है, क्योंकि बजट जो है वो सबसे पहले नेशनल असेंबली में पास होते हैं और जितने जो वज़रा हैं वज़ीर आज़म और उसके वज़रा हैं वो असेंबली के सामने जवाब, उनको अपने महकमे की कारकर्दगी के लिए असेंबली के सामने जवाब देना होता है। मुल्क में वफाकी निज़ाम होगा, फेडरल सिस्टम, इनके मुल्क में 1973 के आइन के मुताबिक फेडरल सिस्टम होगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में 4 सूबे होंगे और इसके अलावा
ट्राइबल एरियाज होंगे। इसमें टू लिस्ट इनकी फिर रखी गई कानून बनाने के लिए, एक फेडरल लिस्ट, दूसरा कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में मतलब वो तमाम सूबे शामिल होंगे जो जिनके जो कानून बनाने के लिए फेडरल के पास होंगे, और बाकी जो कंकरेंट लिस्ट में सकता जिसमें सूबे और मरकज जो है दोनों बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट के मुताबिक। और रेसिडरी पावर जो बाकी मानदा जो कंकरेंट और फेडरल लिस्ट में नहीं है वो तमाम इख्तियार जो है वो सूबों को दे दिए। प्रोविंशियल स्ट्रक्चर, प्रोविंस का जो हर सूबे का जो सरबराह होगा वो गवर्नर होगा, लेकिन गवर्नर को जो है सदर मुंतखब करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस के साथ, वज़ीर-ए-आज़म के मशावरत के साथ। अच्छा, और इसके अलावा जो है लेकिन तमाम एग्जीक्यूटिव पावर है वो सूबे का चीफ मिनिस्टर के पास होगा, वजीर आला के पास होगा। और जिस तरह मरकज में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, इस तरह तमाम सूबों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और साइज जो है प्रोविंशियल असेंबली की 2002 के मुताबिक पंजाब की 271 सीटें थी, सिंध की 168 और एनडब्ल्यू की 124 और बलूचिस्तान की 65 सीटें थी। सूबों को काफी हद तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन फिर भी सेंटर की ताकत जो है वो ज्यादा रखा गया। सेंटर जो है किसी भी टाइम सूबे के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं, और अगर सूबे अपनी कारकर्दगी सही ना करें तो सूबे के अंदर जो है सेंटर गवर्नर रूल भी कायम कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, इस्लामिक प्रोविजन जो है वो प्रोवाइडेड इन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में रखा गया, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक, इनके हर एक को बुनियादी हकूक दिए जाएंगे, और इन बुनियादी हकूक को बाकायदा जो है कोर्ट के जरिए, मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जरिए इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इनके कोई भी बुनियादी हकूक को जो है ख़त्म नहीं कर सकते। इस्लामिक प्रोविजन जो है मुल्क का नाम जो इस्लामिक पब्लिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो करारदाद मकासद थे उसको इफ्तिताहिया में शामिल किया गया आर्टिकल 2A ऑफ 8th अमेंडमेंट के जरिए। इट वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985, लेकिन पहले सिर्फ इफ्तिताहिया में रखा गया था, लेकिन 1985 में एक आईनी तरमीम के जरिए बाकायदा आइन का हिस्सा बनाया गया, और इस्लाम जो है पाकिस्तान का जो सरकारी जो मजहब होगा वो इस्लाम होगा। बाकायदा मुसलमानों की डिफिनेशन इस आइन में वाजह कर दी गई कि मुसलमान अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूल सल्लम की हतम नबूवत के मानने वालों को इस्लाम कहा जाएगा। सम इस्लामिक क्लास जो इंट्रोड्यूस की गई, और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कायम की जाएगी आइन के तहत, और फेडरल शरीयत कोर्ट भी बनाया गया 1981 के तहत, 1981 के तहत फेडरल शरीयत कोर्ट भी कायम की गई। नेशनल लैंग्वेज जो उर्दू होगी पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, और लेकिन इंग्लिश कुछ अरसे के लिए ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द सी जगह पर जो उर्दू को चेंज कर दिया जाएगा। और प्रोविंसेस ये कोशिश करेंगे कि अपने सूबे के अंदर जो है अपने सूबे उर्दू भी नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ वो अपने मुकामी जबानों को भी तरीज के लिए काम करेगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई 2002 में एक एडवाइजरी कैपेसिटी की हैसियत से। जुडिशरी एक आज़ाद अदलिया कायम किया जाएगा 1973 के आइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट होगी, और उसके जो है माते जो है इसके अलावा जो हर उसमें हाई कोर्ट होंगे सुप्रीम कोर्ट के अलावा, और आज़ाद कश्मीर में भी एक हाई कोर्ट कायम किया जाएगा। अच्छा, कंक्लूजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रायोरिटीज रहे, मतलब मुख्तलिफ कंट्राडिक्शन रहे, अख्तिलाफात रहे मुख्तलिफ सोशल इकनॉमिक और पोलिटिकल डिवेलपमेंट में पाकिस्तान की, क्योंकि हर एक जो है किसी चीज़ पर मुतफिक ना हो सके। और पाकिस्तान के ड्राफ्ट बनाने में जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनके दरमियान हमेशा क्लेश रहा, क्लेश ऑफ इंटरेस्ट रहा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स के दरमियान एक एक पेचीदा मसला हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में रहा है आइन बनाने के लिए। इसकी वजह से ये कोई नई बात नहीं है कि आइन बनाना जो है के लिए, क्योंकि उसमें लैंग्वेज और इसमें इलेक्शन का सिस्टम और डिवीजन ऑफ पावर और फेडरल सिस्टम, इन तमाम में जो है काफ़ी हद तक पाकिस्तान में अख्तिलाफात रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो इसका शिकार भी हो गए, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल क्राइसिस भी पाकिस्तान में पैदा हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के दौरान, आइन बनाने के दौरान। लेकिन जो 1973 का आइन है वो एक बैलेंस ऑफ क्लास के होगी, लेकिन जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ क्लास फोर्सेस एस्टैब्लिश आफ्टर द पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ 1971 एंड द कोलैप्स ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप। लेकिन 1973 के आइन जो है एक बैलेंस ऑफ क्लास हमारे सामने आए, क्योंकि 1971 के बाद जो है
पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद जो कोलैप्स आ गई पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप को, और इसके बाद जो द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज कैरेक्टराइज्ड बाय सच फंडामेंटल प्रिंसिपल एज ए पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन सिस्टम ए फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर प्रोक्लेमेशन ऑफ डेमोक्रेसी फ्रीडम इक्वालिटी टॉलरेंस एंड अदर वर्जुअल डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड द अटेनमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एज ए सुप्रीम एम ऑफ द स्टेट। और इस तरह लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा आईन है उसमें तमाम बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखा गया। मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, वफाकी निज़ाम हुकूमत होगी, जमहूरियत होगी, आज़ादी, मसावत, टॉलरेंस और तमाम किस्म की जो है सोशल जस्टिस होगी तमाम लोगों के। तो ये आइन जो है तकरीबन तमाम मकातिब फिक्र के लिए एक मुतफ़ आइन था जो कि अभी तक जो है पाकिस्तान का आइन है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक अभी 25-26 अमेंडमेंट इस आइन में आ चुके हैं, लेकिन इन अमेंडमेंट के साथ साथ अभी तक ये आइन जो है पाकिस्तान में नाफिज़ अमल है।